शुरुआत सबसे पहले मौसम के हाल के साथ करते हैं। मध्य प्रदेश वासियों के लिए खबर है कि फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलेगी, ऐसी कोई भी उम्मीद ना करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम अभी आने वाले कुछ दिन और जारी रहेगा। ठंड और कोहरे का सिलसिला इसी तरह से चलेगा। राजधानी भोपाल में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, इसके साथ ही भोपाल समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसी तरह से मौसम बना रहेगा। 12 जनवरी तक मौसम विभाग का अनुमान है कि ऐसा ही मौसम रहेगा, उसके बाद बादल छटेंगे लेकिन ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। इधर भोपाल और नर्मदापुरम में हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी जताई गई है। हरदा में तेज बारिश होने के कारण ठंड बढ़ गई। ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, इसके अलावा जबलपुर, गुना, टीकमगढ़, रतलाम, रीवा, दमोह में भी कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ठंड से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। सुबह से ही घनी धुंध और सुबह के समय मानो रात सा प्रतीत होता है। दिन के समय ही लोगों को हेडलाइट का सहारा गाड़ी चलाने के लिए, वाहन चलाने के लिए लेना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि इस वक्त भोपाल, मध्य प्रदेश के जो कुछ जिले हैं, भोपाल, रायसेन, सागर, ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और कटरा से भी ठंड है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इस वक्त किस तरह की ठंड पड़ रही होगी। सीधे रुख करते हैं संवाददाता सूरज शर्मा, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। सूरज, सर्दी का सितम और अब तो ठंड थर्ड डिग्री टॉर्चर देने लगी है। देखिए, बिल्कुल लगातार मध्य प्रदेश में मौसम बदल रहा है और खासतौर से साइक्लोनिक सिस्टम जो खासतौर से गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ऊपर बना है, यही कारण है कि मध्य प्रदेश में अब जिस तरीके के हालात हैं कि आने वाले समय में कई जिलों में ओले गिरने की संभावना भी मौसम विभाग जता रहा है। खासतौर से कोहरा लगातार छाया है। मेरे पीछे भी आप तस्वीर देखेंगे तो लगातार कोहरे की चादर है और पिछले 3 से 4 दिन हो चुके हैं राजधानी भोपाल में लोगों ने सूर्यनारायण भगवान के दर्शन नहीं किए हैं। लगातार बदलते मौसम के चलते ठंड भी लगातार तेज पड़ने लगी है और खासतौर से तापमान में गिरावट भी देखने को मिली है। विजिबिलिटी काफी कम होती नजर आ रही है, पिछले 4 दिन से लगातार कोहरा दिखाई दे रहा है। सड़कों की बात करें तो अभी भी लोग जो हैं चार पहिया वाहन के हेडलाइट जलाकर रास्ता तय कर पा रहे हैं। सुबह का वक्त है, ऐसे में पूरे शरीर को ढककर लोग निकल रहे हैं, ग्लव्स पहनकर, कैप पहनकर, टोपी लगाकर, हेलमेट लगाकर, हर ठंड से हर बचाव का जो उपाय होता है उसको करते नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है 4 से 5 दिन अगले ऐसे ही रहने वाले हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो कटरा से भी ज्यादा जो कम तापमान है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, 16 से 17 डिग्री राजधानी भोपाल का टेम्परेचर है। और आने वाले समय में माना जा रहा है कि जिस तरीके से धीरे धीरे ठंडी हवाएं बढ़ने लगी हैं उससे तापमान में और गिरावट होगा और गिरावट होगी और साथ ही जैसे ही मौसम खुलेगा, खासतौर से जब धूप निकलेगी उसके बाद कड़ाके की ठंड का दौर भोपाल में शुरू होगा। लेकिन फिलहाल इस ठंड से कोई राहत नजर नहीं आ रही है जया, खासतौर से हम देख रहे हैं प्रदेश के कई जिले जो है वो कोहरे की चपेट में हैं। कई जिलों में धूप दिन 4 से 5 दिन से धूप नहीं निकली है और राजधानी भोपाल के हालात वैसे ही हैं। आने वाले समय में माना जा रहा है 1-2-4 दिन अभी मौसम ऐसा ही रहेगा, उसके बाद जब धूप निकलेगी तो कड़ाके की ठंड के चलते अब जनजीवन भी काफी प्रभावित हो रहा है। सूरज, रेलवे पर इसका असर पड़ रहा है, सड़क मार्ग पर इसका असर पड़ रहा है और कई जिले ऐसे है मध्य प्रदेश के जहाँ तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से भी कम बना हुआ है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, लेकिन अभी यह टॉर्चर सहना होगा और 12 जनवरी तक मौसम विभाग के मुताबिक किसी तरह का मौसम बना रहेगा। आगे बढ़ते